सब को यीशु सहाय जय यीशु और जय मसीह की और मसीही नमस्कार मसीह में प्रियो एक बार फिर कर ऐसे समय में जब हम कोरोना के प्रकोप से जब हम गुजर रहे हैं सारा देश इसके चपेटे में है सारा विश्व इसके चपेटे में है मेरे प्रियो हम मसीह समुदाय को आज सामने आज आने की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें को आशीष का वारिस होने के लिए चुन लिया है और यूहन्ना 4 उसका 14 पद वचन कहता है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा उनमें से जीवन की जल की नदियां बहने निकलेगी मेरे प्रियो आज हम मसीहों का जीवन ना केवल अपने के लिए लेकिन लोगों के लिए भी आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर ने दिया है और आज जब सारा देश इस कोरोना के प्रकोप से निपटने के लिए जब तैयार है सारा देश आज एकजुट हो चुका है हम मसीह समुदाय को भी आज सामने आने की आवश्यकता है मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है वो हमारा शरण स्थान है वो हमारा बल है और जब उसके पास से में आते हैं वो आपको मिलता है मेरे प्रियो और ऐसे परिस्थिति में हमारा परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आज आपके पास में है लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को पुकारे परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे इतिहास 7:14 पद में यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि वो अपने बुरे चाल चलन से फिरे परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर के निकट आए और अपने पापों से पश्चाताप करें तो स्वर्ग मिश्र होकर मैं सुन लूंगा और उनके देश के ज्यों का त्यों कर दूंगा आज परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि अब आप फिर से हमारे विश्व को हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे लेकिन इसके लिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है अपने पापों को मानने की आवश्यकता है अपने गुनाहों को छोड़ने की आवश्यकता है और एक बार फिर से एक नया जीवन जीने की आवश्यकता है जब ऐसा करते हैं प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा परमेश्वर के हाथ में सारा अधिकार है और इस कोरोना बीमारी को भी परमेश्वर दूर कर सकता है मेरे प्रियो जो काम इंसानों से असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है मेरे प्रियो यशायाह 59 उसका एक वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो हमारे उद्धार ना कर सके परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं हो गया है कि वो हमारे प्रार्थना का उत्तर ना दे सके आज भी उसका हाथ हमारा उद्धार कर सकता है आज उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगी रहती है भजन 34:15 में वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी रहती है और उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगी रहती है आज मसीह समुदाय से मेरा आज नम्र निवेदन है कि आज आप घुटने में आए आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें आप पारिवारिक प्रार्थना करें और नीचे जब आप घुटने में आते हैं जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में आते हैं पारिवारिक प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर का प्रतिज्ञा है मत्ती 18:19 पद में यदि पृथ्वी पर दो जन किसी एक बात के लिए परमेश्वर से मांगे तो मैं स्वर्ग में जो होकर सुनकर मैं उसे पूरा करूंगा आज हम मसीह परिवारों को सामने आने की आवश्यकता है मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है हम घुटने में आकर प्रार्थना करें व्यक्तिगत प्रार्थना करें पारिवारिक प्रार्थना करें परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा और इस कोरोना के प्रकोप से हम एक एक को आजाद करेगा मेरे प्रियो इसीलिए आज हम लोग शांत ना बैठे आज चुप ना रहे अपने अपने घरों पर लेकिन हम प्रार्थना करें आज बहुत ही आवश्यकता है मैं डच एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर होने के नाते से आप लोग से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि 30 से लेकर 31 अप्रैल तक हमारे चिन्ह प्रार्थना का आयोजन किया गया था आज इस समूह में आज ये संभव नहीं लग रहा है लेकिन आप अपने परिवार में आज जरूर से जरूर आप इसे महत्व देते हुए आप प्रार्थना करें आप अपने परिवार में प्रार्थना करें अपने मंडली में प्रार्थना करें व्यक्तिगत प्रार्थना करें निश्चय प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा और निश्चय हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं जिस संकट से गुजर रहे हैं हम उसे आजाद होने पाएंगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी तब आप पूरे हमारे NWGL चर्च कलिशिया को और जितने भी हमारे अन्य कलिशिया हैं उन सबों से निवेदन है कि आप व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना करें निश्चय परमेश्वर पिता इस संकट से इस समस्या से छुड़ाएंगे और हम एक जने बार फिर से हम लोग एक बहुत जीवन को आनंद भरा जीवन को जीने पाएंगे तो यहीं तक मैं करके अपना समाचार अंत करता हूँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद 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 मसीह नमस्कार यीशु चाहे जय मसीह की